नमस्ते एवरीवन, आई एम उर्वी पांड्या विद माय मम्मा आशा पांड्या। आज हम सीखने वाले पश्चिमुत आसना, उत्तनासन भी बोल सकते हैं, एंड सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर। सो सिट ऑन योर हिप्स, योर बैक शुड बी स्ट्रेट, योर बोथ नीज स्ट्रेट फिट्स टुगेदर। ट्राई टू सिट ऑन योर हिप्स, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, शोल्डर्स डाउन, नॉर्मल ब्रीथ। पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी योगासन की प्रैक्टिस करो, इनहेल एंड बोथ हैंड्स अप, बॉडी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट एंड नॉर्मल ब्रीथ। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, गो फॉरवर्ड। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग की स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो हम बैक को बैंड करके फॉरवर्ड जाते हैं, तो वो नहीं करना है। बैक स्ट्रेट रखना है, भले हम पूरे फॉरवर्ड ना जा सके, हाफ में होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीथ, सामने की साइड देखो, अगेन बोथ हैंड्स अप, इनहेल एक्सहेल एंड गो फॉरवर्ड। विथ रेगुलर प्रैक्टिस ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग इम्प्रूव होता है। सो पोस्चर सही रख के, प्रॉपर ब्रीथ पे फोकस रख के ही आसन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमें उसके सारे बेनिफिट्स मिले। ये आसन में हमारा हेड टू टो, पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है। सो अगेन इनहेल एंड बोथ हैंड्स अप, इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों हाथ से आप फीट को पकड़ सकते हो, एंड गो फॉरवर्ड, हिप्स आउट, नी स्ट्रेट, चिन डाउन, एंड 20 to 60 seconds तक आप होल्ड कर सकते हो। बिगिनर्स हो, 5 to 10 seconds इज इनफ। नॉर्मल ब्रीथ, बैक स्ट्रेट, देन इनहेल एंड एक्सहेल करके स्लोली चिन अप, एंड नाउ बोथ हैंड्स अप, इनहेल एंड एक्सहेल बोथ हैंड्स साइड। Keep doing yoga, stay happy and healthy. Thank you.